Hello children, in this video we will do statement flow control. Statement flow control means how a statement is executed in a program. Ek program mein statements, commands kaise execute karte hain. In a program, statements can be executed in one of the following ways. Kisi bhi program mein statements, inme se kisi ek tarike se execute karte hain. First is sequence. Second is selection and third is iteration or looping. Now first we have sequence. Sequence is the default control structure. Instructions are executed one after another. Sequence kya hai? Default control structure hai jahan pe instructions or commands or statements execute karte hai ek ke baad ek. राइट इसमें क्या होता है कमांड सिक्वेंशियल मैनर में एग्जीक्यूट करती है. सबसे पहले स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट करेगा, फिर स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट थ्री अंटिल द प्रोग्राम रीचेस टू द लास्ट स्टेटमेंट. राइट तो वी हैव वन एग्जांपल हियर. लाइक यू कैन सी एग्जांपल इज हियर, नम वन इज इक्वल टू 10. राइट देन यू हैव नम टू. फर्स्ट वी हैव नम वन इज इक्वल टू 10. देन फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. 10 इज इनिशियलाइज्ड टू द वेरिएबल नम वन. सबसे पहले क्या होगा, वेरिएबल नम वन में 10 की वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है, इनिशियलाइज होगी. देन सेकेंड स्टेटमेंट इज नम टू इज इक्वल टू 20. देन सेकेंड कमांड एग्जीक्यूट करेगा, सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, देन वेरिएबल टू विल बी इनिशियलाइज्ड विद द वैल्यू ऑफ 20. मीन्स वेरिएबल num2 में 20 की वैल्यू स्टोर होगी. राइट देन द थर्ड स्टेटमेंट इज सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2. ओके थर्ड स्टेटमेंट में हमने एक और वेरिएबल लिया है सम और उसके अंदर स्टोर होगा num1 प्लस num2. राइट ओके फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमारी लास्ट स्टेटमेंट है प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स इज सम. राइट सो आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो, जो आप डबल कोर्स में लेते हो एज इट इज आ जाता है. और वेरिएबल की अगर आपको वैल्यू देनी है तो उसे विदाउट कोर्स आपको देना होता है. तो यहाँ पे हमने प्रिंट फंक्शन लिया है और उससे प्रिंट फंक्शन की हेल्प से आप सम की वैल्यू प्रिंट करा दोगे. अब इस पूरे प्रोग्राम में व्हाट यू हैव सीन, आपने क्या देखा, सारे इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन एग्जीक्यूट हुई है. पहले नम वन में वैल्यू इनिशियलाइज हुई 10, देन सेकंड नम टू में वैल्यू इनिशियलाइज हुई 20, थर्ड स्टेटमेंट में दोनों का सम हुआ और फोर्थ स्टेटमेंट में उसको प्रिंट करा दिया. राइट सो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आया, सम ऑफ टू नंबर्स इज 30. ओके सो दीज आर द सिक्वेंशियल स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो एक सिक्वेंस में चलती है, वन बाय वन चलती है. ठीक है देन नेक्स्ट वी हैव द सिलेक्शन स्टेटमेंट. इन पाइथन द सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स और ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स. सिलेक्शन स्टेटमेंट को डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है. राइट द सिलेक्शन स्टेटमेंट अलाउज अ प्रोग्राम टू टेस्ट सेवरल कंडीशंस एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन व्हिच कंडीशन इज ट्रू. इन केस ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट राइट व्हाट हैपेंस, जैसे सिक्वेंशियल में क्या है, वन बाय वन कमांड्स एग्जीक्यूट होती है. राइट इन केस ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट कमांड्स और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन. ओके नाउ लुक एट द फ्लो चार्ट. यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमारे पास कोई कंडीशन है. राइट अगर कंडीशन ट्रू है तो वन सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो अनदर सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा. राइट ओके सो हियर द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बेस ऑफ कंडीशन. राइट ओके इफ द कंडीशन इज ट्रू देन वन सेट ऑफ स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन अनदर सेट ऑफ स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट. राइट थर्ड वी हैव आइट्रेशन और लूपिंग.
Okay, iteration statement allows instruction to be executed until a certain condition is to be fulfilled. अब iteration के केस में क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट या वन स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट कब तक चलती रहती है, जब तक ये वो कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए, राइट. द iteration स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज लूप्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स. आइट्रेशन को हम लूप्स भी बोलते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं. जैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट किया, जो भी वेरिएबल्स हैं उनको इनिशलाइज करते हैं, ओके. फिर वेरिएबल्स का कंडीशन टेस्ट होता है. अगर कंडीशन जब तक ट्रू रहती है तब तक जो भी बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स हैं, लूप की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स हैं, वो एग्जीक्यूट करते रहते हैं. जैसे ही फॉल्स होती है तो क्या होता है, एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है, राइट. तो इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद द कंडीशनल स्टेटमेंट. हमने सबसे पहले देखा, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स. सिक्वेंशियल स्टेटमेंट, जो एक सिक्वेंस में एग्जीक्यूट करती है, कंडीशनल स्टेटमेंट, और सिलेक्शन स्टेटमेंट, जो कंडीशन के ऊपर बेस्ड होती है, राइट. ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन दे एग्जीक्यूट्स. एंड थर्ड हमने देखा आइट्रेशन और लूपिंग, जिसमें क्या है, एक ही स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट और मोर देन वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स अगेन एंड अगेन अंटिल अ कंडीशन इज सेटिस्फाइड. Right now, in this video, we will do selection statement or decision making statement. Right? There are four types of decision making statements in Python. Python में four types of decision making statements होती है. If statement, if else statement, if elif ladder and nested if statement. तो जितनी भी ये statements हैं, हम इनको one by one with example करेंगे. Right? First is if statement. If statement is the most simple decision making statement. It is used to decide whether a certain statement or block of statement will be executed or not. If a certain condition is true, then a block of statement is executed, otherwise not. If statement में क्या होता है, this is your if keyword, right? इसका syntax ये है, if keyword and the condition. यहाँ पे condition दी जाती है, अगर condition true है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे, राइट. इफ द कंडीशन इज ट्रू देन दीज स्टेटमेंट्स विल एग्जीक्यूट, इफ द कंडीशन इज फॉल्स, राइट, देन नथिंग विल हैपन, राइट, नथिंग विल हैपन, ओके. अगर इफ स्टेटमेंट के बाहर कोई स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर जाएगी, लेकिन इफ स्टेटमेंट के अंदर कोई स्टेटमेंट है तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी. इसको एग्जांपल से हम देखते हैं. यहाँ पे हमने इफ का एक एग्जांपल लिया, एज इंट इनपुट एंटर योर एज, ओके. इनपुट फंक्शन करके हमने क्या एंटर कराया है, एज को एंटर कराया है, राइट. और आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो, यहाँ पे हम इन फंक्शन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इनपुट फंक्शन क्या करता है, जो भी आप उसमें वैल्यू इनपुट करोगे वो एज अ स्ट्रिंग उसको लेता है, राइट. तो हमने इन फंक्शन यूज करके एज को किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर वैल्यू में, ओके. नाउ सो वट एवर द एज यू विल एंटर, दैट विल बी That will go inside the age variable. ठीक है, जो भी आप value enter करोगे वो age variable के अंदर चला जाएगा. अब हमने क्या किया, if के साथ condition लगाई, if के साथ condition लगाई है, if statement यहाँ पे use किया, if age is greater than or equal to 18. अगर आप की जो age आपने enter की है वो age से क्या है, वो 18 से या तो बड़ी है या 18 के equal है, राइट. जो भी आपने वैल्यू एंटर की है वो क्या है, या तो 18 से बड़ी है या 18 के इक्वल है, तो प्रिंट हो जाए एलिजिबल टू वोट, राइट. तो यहाँ पे जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप यहाँ पे देखो आउटपुट में, फर्स्ट हमने क्या किया, 25 एंटर किया, एंटर योर एज, देन वी हैव एंटर 25, तो क्या हमारा रिजल्ट आ गया, एलिजिबल टू वोट. सेकेंड में हमने क्या किया, एंटर योर एज और एज को प्रिंट करा दिया 15, राइट. तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं आया. व्हाई, बिकॉज इफ स्टेटमेंट में क्या है, इफ स्टेटमेंट में हमने क्या है, अगर कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपका इफ पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा. जो स्टेटमेंट इफ के नीचे है, दी गई है, ठीक है, जो स्टेटमेंट इफ के अंडर आती है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. और अगर फॉल्स होता है तो नथिंग विल हैपन, राइट. तो जब हमने क्या किया, 15 कर दिया, तो कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई,
ठीक है, बिकॉज हमने क्या कंडीशन दिया, एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ओके, तो 15 इज स्मॉलर देन 18, ओके, तो इस केस में हमारा कोई भी रिजल्ट नहीं आया, ओके, सो दिस इज योर इफ स्टेटमेंट, राइट, जिसमें क्या इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट्स ऑफ द इफ पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, राइट, एंड इफ इट्स नॉट देन नथिंग विल हैपन. तो इसको अगर हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तब भी कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट हो, तब भी कुछ प्रिंट हो, तो उसके लिए क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट, राइट. अब इफ स्टेटमेंट अलोन टेल अस दैट इफ अ कंडीशन इज ट्रू इट विल एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स इट वॉन्ट. ठीक है, ये क्या कह रहा है, इफ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो इफ स्टेटमेंट है, जो अलोन जो हम इफ को यूज करते हैं, अगर हम अकेले इफ को यूज करते हैं तो क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. ठीक है, इफ ब्लॉक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर नहीं है देन नथिंग विल हैपन. बट What if we want the program to display some appropriate message or to execute certain set of instructions in case the condition become false? लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर condition false होती है तब भी कुछ message display हो या कुछ अलग set of instruction display हो, तो उसके लिए क्या करें? ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, else statement है. We can use the else statement with if statement to execute a block of code with the condition when the condition is false, right? तो हमारे पास next क्या है, if else. ठीक है, if condition, हमने if के साथ क्या लिया, condition, अगर condition true है, ठीक है, अगर condition आपकी क्या है, true है, तो कौन सा block execute करेगा, if वाला. ठीक है, इफ ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट करेंगे. और अगर कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, अगर आपकी कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, एल्स वाला, जो भी स्टेटमेंट एल्स के अंदर है वो एग्जीक्यूट करेगी, राइट. अब यहाँ पे देखो, इफ एंड एल्स आर द कीवर्ड्स, वी नो दैट इफ और एल्स क्या है, कीवर्ड, अ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, ब्लॉक ऑफ कोड इंडेंटेड इनसाइड द इफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड ओनली इफ कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, अदरवाइज स्टेटमेंट्स फॉलोइंग एल्स विल बी एग्जीक्यूटेड. तो ये क्या कह रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी. ठीक है, ये इसका फ्लो चार्ट है, कंडीशन ट्रू, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू. ठीक है, ये हुआ कंडीशन फॉल्स, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, एल्स बॉडी. ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर फॉल्स है तो एफ एल्स ब्लॉक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, राइट. ओके, नाउ वी हैव एग्जाम्पल, हम वही वाला एग्जाम्पल हमने लिया है. देखो यहाँ पे क्या किया, हमने एज को एंटर कराया. ठीक है, एज वेरिएबल में हमारा यूजर इनपुट जाएगा. नाउ वी हैव द कंडीशन, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर एज जो आपने एंटर की है 18 से ग्रेटर है या 18 के इक्वल है, तो प्रिंट हो जाए एलिजिबल टू वोट. ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा क्या प्रिंट हो, हमारा प्रिंट हो एलिजिबल टू वोट. और अगर क्या है, कंडीशन फॉल्स है, मतलब जो एज हमने एंटर की है वो 18 से कम है, ठीक है, स्मॉलर देन 18, तो हमारा प्रिंट हो नॉट एलिजिबल टू वोट. तो हियर यू कैन सी इन द आउटपुट, जब हमने एज एंटर कराई 25, तो क्या प्रिंट हुआ, एलिजिबल टू वोट, राइट. और जब हमने एज को एंटर कराया 15, तो हमारा नेक्स्ट एल्स वाला पार्ट प्रिंट हो गया, ठीक है, बिकॉज कंडीशन इज फॉल्स. ठीक है, तो हमारा एल्स वाला पार्ट प्रिंट हुआ नॉट एलिजिबल टू वोट, राइट. सो दिस इज योर इफ एल्स. अब यहाँ पे हम इफ एल्स का एक और एग्जांपल करके देखते हैं. हमने एक नंबर एंटर कराया, एंटर नंबर, ठीक है, जो हमारा किस में गया, नम वेरिएबल में गया. अब हमने कंडीशन लिखा, यहाँ पे यूज किया, इफ नम मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0. यहाँ पे डबल इक्वल टू किस लिए यूज करते हैं, कंपैरिजन के लिए. तो यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है, जो भी नंबर आपने एंटर करवाया है अगर हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो क्या 0 के इक्वल होता है, राइट. मॉड्यूलस किसके लिए यूज करते हैं, टू गेट द रिमाइंडर.
फाइन, तो जो भी हमारा रिमाइंडर आता है वो क्या जीरो के इक्वल है, अगर है तो क्या प्रिंट हो जाए, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाए, नंबर इज इवन नंबर। और अगर अगर हमारी कंडीशन ही ट्रू होती है, मतलब कि जो भी नंबर आपने एंटर किया और वो टू से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर आया जीरो, जीरो के इक्वल आया, राइट, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाए, नंबर इज इवन नंबर, राइट। एंड अगर वो फॉल्स है, अगर आपकी कंडीशन क्या है, फॉल्स होती है कि रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, जो भी नंबर आपने एंटर कराया वो टू से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो क्या प्रिंट हो जाए, एल्स वाला पार्ट प्रिंट हो जाए, नंबर इज ऑड नंबर। तो यहाँ पे आप आउटपुट में देखो, जब आपने 9 नंबर को इनपुट कराया, ठीक है, तो 9 डिवाइडेड बाय 2, राइट, यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, तो कौन सा पार्ट आपका एग्जीक्यूट हुआ है, कौन सा प्रिंट हुआ है, नंबर इज ओड नंबर, राइट, तो 9 में आया, 9 इज ओड नंबर। देन नेक्स्ट आपने क्या किया, 4 को एंटर कराया, राइट, जब 4 को एंटर कराओगे तो ऑब्वियसली आपका रिमाइंडर, जब आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, कंडीशन ट्रू होगी, तो आपका कौन सा पार्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, इफ वाला ब्लॉक, राइट, 4 इज इवन नंबर, राइट, तो आपका इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, ओके, सी। अब हमारा नेक्स्ट जो इफ स्टेटमेंट है वो इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट है, राइट, द एलिफ इज शॉर्ट फॉर एल्स इफ, it allows us to check for multiple expressions, if the condition for if is false it checks the condition of the next elif block and so on. ab if elif else statement ka kya use hai, jahan hame ek se zyada conditions ki zarurat hoti hai, jahan hame kya number of conditions mein se apne options ko dhoondna hota hai, theek hai, okay, wahan pe hum kya use karte hain, wahan pe hum if elif else letter को यूज करते हैं, इसको सिंपल इफ एलिफ लेटर भी बोल सकते हैं, एल्स पार्ट इज ऑप्शनल, राइट, तो इसका सिंटैक्स आप देखो, देखोगे यहाँ पे हमने क्या किया, इफ में कंडीशन ली, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, तो इफ ब्लॉक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, फिर हमने एलिफ, एलिफ क्या है, एल्स इफ है, ठीक है, हमने फिर एलिफ के अंदर दूसरी कंडीशन ली, अगर सेकंड कंडीशन ट्रू है तो सेकंड कंडीशन की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, अगर इन दोनों की ट्रू नहीं है तो ये नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा, एलिफ कंडीशन अगर नेक्स्ट कंडीशन ट्रू है तो उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ऐसे हम नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ कंडीशंस ले सकते हैं और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स उनके साथ ले सकते हैं, राइट, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा, राइट, तो यहाँ पे एल्स ऑप्शनल होता है, आप लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं तो कोई वो नहीं है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिफ डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ कंडीशन, और कितने एलिफ आप यूज करोगे, जितनी आपकी कंडीशंस है, ठीक है, जितनी आपको कंडीशंस लगानी है, इफ द फर्स्ट कंडीशन फॉल्स द नेक्स्ट इज चेक्ड एंड सो ऑन, अगर एक कंडीशन फॉल्स है वो नेक्स्ट को चेक करेगा, सेकंड फॉल्स है वो फिर नेक्स्ट को चेक करेगा, ठीक है, इफ वन ऑफ द कंडीशंस इज ट्रू द कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट एंड द स्टेटमेंट्स एंड्स, अगर मान लो यहाँ पे सेकंड कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, सेकंड कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, ये सेकंड कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देगा, सेकंड कंडीशन के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा, एंड देन इट विल कम आउट ऑफ द स्टेटमेंट्स इफ ब्लॉक, राइट, ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका फ्लो चार्ट देखो, टेस्ट एक्सप्रेशन 1, अगर येस है तो स्टेटमेंट 1, नो है तो कहाँ जाएगा, टेस्ट एक्सप्रेशन 2 पे, मतलब सेकेंड कंडीशन को चेक करने के लिए जाएगा, अगर वो येस है, ठीक है, अगर वो येस है तो सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, अगर नहीं तो टेस्ट एक्सप्रेशन 3 को चेक करेगा, अगर वो येस है, मतलब कंडीशन 3 अगर आपकी ट्रू है तो उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, राइट, और इनमें से कोई भी नहीं है तो एल्स जो है, एल्स पार्ट में जो भी स्टेटमेंट दी गई है वो एग्जीक्यूट करेंगे, और ठीक है, तो अब हम जाते हैं इसके एग्जांपल पर, ठीक है, वी आर टेकिंग इट्स एग्जांपल कि कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम दैट प्रिंट्स 2 नंबर्स एंड एन अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड डिस्प्लेस द कंप्यूटेड रिजल्ट्स, यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो 2 नंबर को रीड करेगा, ठीक है, और ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस मॉड्यूलस इन सबको रीड करेगा और उसका रिजल्ट दिखाई शो करेगा, राइट, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इंट num1 int input enter first number, ठीक है, num1 में हमने क्या स्टोर कर दिया, जो भी हम फर्स्ट नंबर एंटर करेंगे, देन सेकेंड नंबर विल स्टोर इनसाइड num2, नंबर में फर्स्ट नंबर स्टोर होगा
ठीक है, नम टू में हमने सेकंड नंबर की एंट्री कर दी, राइट। अब यहाँ पे हमने ऑपरेटर की एंट्री करनी है, तो ऑपरेटर हमने ओपी वेरिएबल ले लिया, ठीक है, जो कहाँ पे उसके उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर जो भी ऑपरेटर हम यूज करेंगे वो, तो हमने यहाँ पे ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो, प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, जो भी आपको लेना है, ओके। नाउ हमने एक वेरिएबल लिया रिजल्ट, ओके, एंड रिजल्ट की वैल्यू हमने क्या लिया, जीरो, फाइन। अब आपने फर्स्ट कंडीशन लगाई, इफ ओपी, जो भी हमने ऑपरेटर लिया है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है प्लस के, तो रिजल्ट में क्या स्टोर हो जाए, नम वन प्लस नम टू, फाइन, राइट। नेक्स्ट हमने नेक्स्ट कंडीशन ली एलिफ, एल्स इफ, और यू कैन से एल एलिफ, एलिफ ऑपरेटर, अगर आपने ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर एंटर कराया है वो किसके इक्वल है, माइनस के इक्वल है, तो रिजल्ट में क्या स्टोर हो जाए, नम वन माइनस नम टू, ओके। देन नेक्स्ट कंडीशन, अगर आपने ऑपरेटर में जो भी स्टोर कराया है वो किसके इक्वल है, वो मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है, तो रिजल्ट क्या आ जाए, नम वन मल्टीप्लाई नम टू, एलिफ। नेक्स्ट कंडीशन हमने नेक्स्ट कंडीशन क्या ली है, ओपी में आपने जो भी ऑपरेटर इक्वल एंटर कराया है वो अगर डिवीजन के इक्वल है तो क्या रिजल्ट में स्टोर हो जाए, नम वन डिवाइडेड बाय नम टू, और अगर आपने जो भी वैल्यू ऑपरेटर में ओपी वेरिएबल में इनपुट कराई है वो अगर मॉड्यूलस के इक्वल है तो क्या हो जाए, दोनों का नम वन डिवाइडेड बाय नम टू के बाद उनका मॉड्यूलस मींस उनका रिमाइंडर निकल के आ जाए, और इनमें से कोई भी अगर ऑपरेटर नहीं है तो, सॉरी, इनमें से कोई भी ऑपरेटर नहीं है तो आपका क्या प्रिंट हो जाए, इनवैलिड ऑपरेटर लिखा हुआ आ जाए, राइट। और हमने लास्ट में क्या प्रिंट करा दिया, हमने लास्ट में रिजल्ट प्रिंट करा दिया नम वन, ठीक है, नम वन की वैल्यू, ऑपरेटर जो भी ऑपरेटर हमने लिया है वो, नम टू की वैल्यू, इक्वल टू एज इट इज आएगा रिजल्ट। अब देखो यहाँ पे इसका आउटपुट देखो, एंटर फर्स्ट नंबर, हमने फर्स्ट नंबर एंटर कराया फाइव, एंटर सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर एंटर कराया टू, फाइन, एंटर ऑपरेटर, ऑपरेटर मैंने क्या एंटर करा दिया, प्लस, ओके, तो आपका क्या आ गया, आपका प्रिंट होके क्या आएगा, फाइव नम वन प्लस, ओके, ऑपरेटर नम टू इक्वल टू सेवन, जो हमारी ये वाली लाइन है, ठीक है, नम वन ऑपरेटर नम टू इक्वल टू रिजल्ट, तो फाइव प्लस टू इक्वल टू सेवन, राइट, ओके। ऐसे ही अगर आप दोबारा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो आपसे फिर से पूछेगा, एंटर नंबर, फर्स्ट नंबर हमने 10 प्रिंट कराया, सेकंड नंबर हमने 2 प्रिंट कराया, फिर ऑपरेटर, ऑपरेटर हमने मल्टीप्लीकेशन करा दिया, तो अब देखो नम वन 10, ओके, ऑपरेटर दैट इज मल्टीप्लीकेशन, देन नम टू इक्वल टू 20, ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो इसमें हमने क्या किया, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया है, नंबर ऑफ इफ, नंबर ऑफ कंडीशंस यूज की है, और अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस वी हैव गॉट द रिजल्ट, राइट। तो इफ एलिफ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं, राइट, और उनके अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट आपको मिलेगा, कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो आपको उसके उससे रिलेटेड ही स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। अगर आप प्लस करोगे, अगर आपका प्लस है, मान लो आपकी इफ आपने अगर प्लस ऑपरेटर को एंटर कराया है तो आपके नंबर्स का क्या होगा, एडिशन होगा, अगर आपने माइनस ऑपरेटर को एंटर कराया है तो आपके जो भी नंबर एंटर हुए उनका क्या होगा, वो उनका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, ऐसे करके इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, राइट। नेक्स्ट वी हैव नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ओके, लास्ट, देयर मे बी, नेस्टेड इफ का क्या होता है, देयर मे बी अ सिचुएशन व्हेन यू वांट टू चेक फॉर अनदर कंडीशन आफ्टर अ कंडीशन रिजॉल्व्स टू ट्रू, in such a situation you can use the nested if construct, in a nested if construct you can have an if elif else construct inside another if elif else construct, sometimes what happens, ek if statement ke andar aapko dusri if statement ko use karna padta hai, right, to nested if kya hota, ek if statement ke andar ek if elif else statement ke andar aap dusra if elif else statement ko use karoge, right।
ओके तो यहाँ पे आप देख लो इसका सिंटेक्स क्या है, इसके नंबर ऑफ सिंटेक्स है, नॉट ओनली दिस वन. इसमें क्या है, इफ एक्सप्रेशन, आपने एक इफ के साथ कंडीशन दी, उसकी स्टेटमेंट दी, और इसके अंदर ही एक दूसरा इफ आ गया, ठीक है, दूसरी इफ कंडीशन आ गई, उसकी स्टेटमेंट आ गई. नाउ यू हैव द एलिफ एक्सप्रेशन, राइट, एंड देन अगेन एलिफ, जिसमें आप नेक्स्ट कंडीशन दोगे, एंड देन एल्स, राइट. एंड देन यहाँ पे जो ये था If else, अब यहाँ पे देखो if else के अंदर आपने क्या किया है, if elif letter दिए, right? If else जो आपका statement है उसके अंदर आपने क्या insert कर दिया, आपने if elif letter insert कर दी. So nested if is what? इसके अंदर क्या है, एक if statement के अंदर दूसरी if statement को insert करना, right? ओके और वो आप कैसे भी कर सकते हो, आप इफ पार्ट में भी दूसरी इफ एल्स या इफ एलिफ स्टेटमेंट को इंसर्ट कर सकते हो, या एल्स पार्ट में भी कर सकते हो, राइट. ओके अब यहाँ पे इसका ये फ्लो चार्ट है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ, अगर फॉल्स है तो वो नेस्टेड, हमने जैसे फर्स्ट इफ लिया, अगर वो ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ आ गया, अगर फॉल्स है तो नेस्टेड जो हमने इंसर्ट किया है उसके अंदर वो उसके वो एग्जीक्यूट करेगा, और उसके अंदर भी अगर वो ट्रू है, नेस्टेड इफ ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ आएगा, अगर वो फॉल्स है तो बॉडी ऑफ एल्स आएगा. ओके so what is nested if, if inside if, right, when we insert if in another if, right. okay तो आपका first if अगर true है तो उसकी body execute करेगी, अगर false है तो nested if मतलब जो उसके अंदर जो if है वो उस part पे चला जाएगा. अब again if को हम test करेंगे, अगर वो true है तो if execute करेगा, otherwise उसका जो else part है वो execute करेगा, और अगर ये दोनों ही false हैं तो जो first if है उसका else part execute करेगा, right? तो यहाँ पे हम एक example ले रहे हैं, हमने क्या किया, एक number को input कराया, fine, एक number को input कराया, right? यहाँ पे आप देखो enter a number, okay? और उसके बाद आपने क्या किया, condition दी है if num is greater than or equal to zero, जो भी नंबर आपने एंटर कराया है अगर वो जीरो से बड़ा है या जीरो के इक्वल है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो क्या होगा, ये अंदर जाएगा, राइट, इफ स्टेटमेंट के अंदर जाएगा. ओके अब यहाँ पे हमने एक और इफ दे दिया, ठीक है, अगर देखो कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, नंबर या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, और अगर कंडीशन हमने हमारी ट्रू है तो ये अंदर जाएगा. तो अब ये क्या पूछ रहा है, इफ नंबर इज इक्वल टू ट्रू, सॉरी इक्वल टू जीरो, जो भी आपने नंबर जो एंटर कराया है वो क्या जीरो के इक्वल है, ये डबल इक्वल टू का यूज क्या होता है, दिस इज कंपैरिजन ऑपरेटर. तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, जो भी वैल्यू नम के अंदर है क्या वो जीरो के इक्वल है, राइट, क्योंकि हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू थी कि नंबर या तो जीरो से बड़ा है या जीरो के इक्वल है, ठीक है, ये ट्रू थी. तो अब हम नेक्स्ट कंडीशन, हमने इफ इस इफ के अंदर दूसरा इफ लगा दिया कि क्या वो जीरो है, ठीक है, जो भी हमने वैल्यू एंटर की है क्या वो जीरो है, अगर जीरो है तो क्या प्रिंट हो जाए, जीरो, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाए, जीरो, और अगर जीरो नहीं है तो क्या प्रिंट हो जाए, इसका एल्स पार्ट हमारा होगा पॉजिटिव नंबर. क्यों पॉजिटिव नंबर, किस लिए, क्योंकि ऊपर हम पहले डिसाइड कर हमने कर लिया था कि हमारी कंडीशन ये वाली ट्रू है, ठीक है, क्योंकि नंबर या तो जीरो है या जीरो से बड़ा है, तब वो इफ के अंदर गया था, इफ इफ के अंदर गया था, इफ स्टेटमेंट के अंदर. यहाँ पे हमने दूसरा इफ लगाया, क्या नंबर जीरो है, ठीक है, अगर ये ट्रू होता तो क्या प्रिंट हो जाता, जीरो, और अगर कोई दूसरा नंबर है तो ऑब्वियसली वो जीरो से बड़ा होगा, तो हमारा क्या प्रिंट हो गया, पॉजिटिव नंबर, ठीक है. और अगर इफ जो हमारी ये कंडीशन थी वो पहले ही फॉल्स हो जाती, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर था वो जीरो, ना तो जीरो से बड़ा होता ना ही जीरो होता, जीरो से स्मॉल होता, तो जब ये पहले ही अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती तो क्या होता, सीधा वो एल्स पार्ट पे चला जाता यहाँ पर, ठीक है, ओके, और एस पार्ट पे हमारा क्या होता, नेगेटिव नंबर प्रिंट होता, फाइन. अब आप इसका रिजल्ट देखो, एंटर अ नंबर, हमने जब नंबर 5 एंटर किया, ठीक है, तो हमारा क्या आया, अंदर हमने नंबर एंटर किया 5, तो हमारा रिजल्ट आया पॉजिटिव नंबर, ओके, बिकॉज हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू ही, 5 इज ग्रेटर देन 0 अंदर गया, 5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारी कंडीशन
हो गई फॉल्स, एल्स पार्ट पे चला गया इसके, राइट right? तो ये प्रिंट हुआ, 5 इज पॉजिटिव नंबर। और जब आपने एंटर करा है -2, तो आपका क्या प्रिंट हुआ, सीधा एल्स पार्ट पे गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे सीधा एल्स पार्ट पे गया, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, नेगेटिव नंबर, राइट। तो इन दिस वे, सो हियर वी हैव 4 इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, राइट। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे 1 by 1 ऑन आइडल, राइट। एक बार हम सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करके देखते हैं आइडल पे। यहाँ पे मैंने इसका स्क्रिप्ट मोड ले लिया है, फाइन। ओके, सबसे पहले हम करते हैं सिक्वेंशियल स्टेटमेंट। सिक्वेंशियल स्टेटमेंट में मैंने क्या बताया था कि आप वही प्रोग्राम जो अभी हमने समझे हैं वही कर रहे हैं। सिक्वेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, जो भी आप स्टेटमेंट लेते हो वो 1 by 1 एग्जीक्यूट करती है, फाइन। तो यहाँ पे पहले सम लिया, सम में हमने क्या कर लिया, num1 + num2, राइट, एंड देन प्रिंट num1 वेरिएबल में पहले 10 की वैल्यू स्टोर होगी, num1 इज इनिशियलाइज्ड विद 10, ओके, num2 इज इनिशियलाइज्ड विद 20, थर्ड स्टेटमेंट में क्या हुआ, दोनों का एडिशन हुआ, ओके, एंड देन लास्ट में हमने क्या कर दिया, उसको प्रिंट। तो हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं, इस प्रोग्राम को हमने कुछ भी ले लिया, इसका नेम p1 ले लिया, राइट, ओके, इट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, रिप्लेस, राइट। अब आप f5 प्रेस करोगे, ओके, आपका रिजल्ट क्या आ गया, सम ऑफ टू नंबर्स इज 30, फाइन। ओके, तो ये हमने क्या किया, सिक्वेंशियल स्टेटमेंट का एग्जांपल देखा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिक्वेंशियल स्टेटमेंट के बाद अब हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे 1 by 1, फाइन। इसी को ले लेते हैं यहाँ से, फाइन। सबसे पहले आप इफ स्टेटमेंट का एग्जाम्पल देखोगे, एज इंट इनपुट, हमने क्या कराया, एंटर कराया, एंटर योर एज, फाइन। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, फाइन, प्रिंट eligible to vote, okay? So this is our if statement. If statement में क्या था, मैंने आपको बताया था, अगर condition true है तो if block की statement execute करेगी, और अगर condition false है तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम F5 press कर रहे हैं, fine, enter your age, अगर हमने कर दिया 25, let us see क्या आ गया, eligible to vote, okay? और फिर अगर हमने अगेन इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया F5, और यहाँ पे मैंने कर दिया 15, फाइन, ओके, नाउ हियर यू कैन सी नथिंग विल हैपन, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हम क्या है, सिर्फ इफ स्टेटमेंट है, राइट, ओके। अब हमारा नेक्स्ट हम इफ करेंगे, इफ एल्स करेंगे, राइट, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया एल्स, एल्स पार्ट, फाइन, ओके, एंड एल्स पार्ट में हमने दे दिया प्रिंट Not eligible to vote. Okay. अब अगर if की condition true है तो if block की statement execute करेगी eligible to vote. अगर false है तो else part की statement execute करेगी not eligible to vote. Right? हम इसको अब करके देखते हैं. अगर हमने अब 15 print कराया तो क्या होगा? Not eligible to vote. राइट, एल्स के अब क्या हुआ, यहाँ पर एल्स पार्ट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, फाइन। अगर आप देखो अगेन इसको एग्जीक्यूट कराओगे,
अगेन F5, अगर आप 23 लेते हो तो एलिजिबल टू वोट, राइट? सो हियर वी हैव सीन बोथ इफ एंड इफ एल्स. नेक्स्ट हमारा क्या है? इफ एलिफ लेटर, राइट? इफ एलिफ लेटर. अब हम एग्जांपल करते हैं इफ एलिफ लेटर का. फाइन, तो यहाँ पे हमने लिया नम वन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर राइट, देन नम टू इज इक्वल टू इंट इनपुट सेकेंड नंबर. फाइन, नेक्स्ट हमने क्या लेना है? ऑपरेटर इनपुट कराना है यूजर से, इनपुट. ठीक है, अब ऑपरेटर क्या होता है? स्ट्रिंग ही होता है, उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. ऑपरेटर हमारे क्या होते हैं? बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही होते हैं. एंटर ऑपरेटर, ठीक है. यहाँ पे आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस ले लो, राइट राइट ओके. देन आपने वेरिएबल लिया रिजल्ट. ओके, रिजल्ट की अभी वैल्यू क्या है? जीरो है. फाइन, अब यहाँ पे हम लेंगे लेटर इफ ओपी इक्वल टू प्लस, राइट? कॉलन, राइट? देन हमेशा याद रखना है, जब भी आप कंडीशन लोगे, आप जब भी कंडीशन को ऐड करोगे एंड, तो आपको कॉलन जरूर लगाना है, ठीक है? ओके, तो हमने यहाँ पे लिया, अगर हमारा जो ऑपरेटर है वो प्लस है तो रिजल्ट में क्या आ जाए? नम वन प्लस नम टू. फाइन, अब नेक्स्ट कंडीशन हम लेंगे एलिफ ओपी इज इक्वल टू माइनस, राइट? अगर माइनस है तो रिजल्ट में आ जाए नम वन माइनस नम टू. फाइन, देन एलिफ ओपी इक्वल टू क्या है आपका? मल्टीप्लीकेशन. फाइन, ओके, कॉलन, राइट? तो आपका रिजल्ट में आ जाए नम वन मल्टीप्लाई नम टू. फाइन, ओके. देन आपने नेक्स्ट कंडीशन ली है, नेक्स्ट कंडीशन में क्या है आपका? एलिफ ओपी इक्वल टू डिवीजन. फाइन, तो आपका रिजल्ट हो जाए, रिजल्ट में आ जाए नम वन डिवाइडेड बाय नम टू, राइट? देन नेक्स्ट एलिफ एलिफ ओपी. अब देखो यहाँ पे हमने कितनी सारी कंडीशंस लिए, एलिफ इफ एल्स इफ एलिफ लेटर बनाई है, राइट? तो यहाँ पे हमने लिया मॉड्यूलस, राइट? अगर ये मॉड्यूलस के इक्वल है, जो भी आपने ऑपरेटर लिया है, फाइन, तो आपके रिजल्ट में क्या आ जाए? नम वन मॉड्यूलस नम टू. फाइन, और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपका एल्स में प्रिंट हो जाए, प्रिंट
invalid operator. Okay, invalid operator. Fine. और ये लास्ट जो प्रिंट होगी स्टेटमेंट वो हमने दिए है num1 then operator then num2 right equal to हम डबल कोट्स में देंगे तो एज इट इज आ जाएगा फाइन एंड देन रिजल्ट ओके. अब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे. अब देखो एंटर फर्स्ट नंबर आ रहा है आपका. फर्स्ट नंबर हमने दिया यहाँ पे ले लिया 8. ओके एंटर सेकंड नंबर. सेकंड नंबर हमने ले लिया 2. राइट अब एंटर ऑपरेटर. हमने ऑपरेटर कर दिया मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर. फाइन तो क्या आ गया 2 8 इंटू 2 इक्वल टू 16. राइट एग्जीक्यूट हुआ. ओके क्योंकि हमारी कौन सी कंडीशन थी यहाँ पर. ये कौन सी कंडीशन हम ट्रू ही हमारा ऑपरेटर हमने क्या लिया था मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर लिया था. तो हमारा रिजल्ट क्या आया इनटू नम इन नम वन इनटू नम टू. अगर हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं देखो हमने लिया कोई भी नंबर हमने ले लिया 4. ठीक है यहाँ पे हमने ले लिया 2 अगेन. राइट हमने ले लिया इस बार डिविजन. डिविजन करेंगे तो क्या होगा डिवाइड होके रिमाइंडर आएगा तो 0 रिजल्ट आएगा. सॉरी इसमें नॉट रिमाइंडर. रिमाइंडर आता है मॉड्यूलस में. यहाँ पे हमारा क्या आएगा यहाँ पे इसका 2 डिविडेंड. राइट तो हमारा 2.0 आ गया. फाइन ओके सो क्योंकि हमने क्या लिया था ऑपरेटर में क्या लिया था डिविजन ऑपरेटर लिया था तो हमारा क्या एग्जीक्यूट किया नम वन डिवाइडेड बाय नम टू ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ. राइट तो ये हमारा हुआ इफ एलिफ लेटर. फाइन अब हम क्या करते हैं नेस्टेड इफ का एग्जांपल ले लेते हैं. नेस्टेड इफ में क्या होता है एक इफ के अंदर हम दूसरे इफ को इंसर्ट करते हैं. एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हम दूसरे इफ स्टेटमेंट को इंसर्ट करते हैं. राइट तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इंट ही ले लेते हैं. नम हमने किया इंट इनपुट एंटर अ नंबर. फाइन अब हमने क्या किया इफ कंडीशन दिए इफ नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है राइट तो इसके अंदर इफ के अंदर ही हमने दूसरा इफ कंडीशन दे दिया इफ नम इज इक्वल टू 0. अगर वो 0 है फाइन तो प्रिंट हो जाए 0. ओके एल्स प्रिंट हो जाए पॉजिटिव नंबर. अदरवाइज एल्स प्रिंट हो हमारा नेगेटिव नंबर. राइट अब देखो यहाँ पे हमने इंडेंटेशन को प्रॉपर नहीं लिया है. ये एल्स को यहाँ पे आना था एंड देन प्रिंट को यहाँ आना था. ठीक है ओके अब हम करेंगे F5 एंटर अ नंबर. ठीक है अगर हमने एंटर किया नंबर 5 ही ले लो. ठीक है तो क्या आ गया पॉजिटिव नंबर. और अगर मैंने -2 किया तो क्या आ गया ओके सॉरी यहाँ पे सॉरी इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं. ओके फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे एंटर अ नंबर ये पूछेगा और मैंने यहाँ पे कर दिया -4 तो क्या लिखा हुआ आ गया नेगेटिव नंबर. राइट तो
ये प्रोग्राम मैंने आपको पहले ही समझा भी दिया था कि जो भी वैल्यू एंटर करोगे पहले ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा, इफ ब्लॉक में जाएगा तो इसको एक दूसरा इफ एल्स यहाँ पे हमने इंसर्ट किया हुआ है नेस्टेड इफ है, ठीक है। अगर नंबर जीरो से बड़ा है या जीरो के इक्वल है तो इस इफ ब्लॉक में जाएगा, और अगर इक्वल जीरो से छोटा है तो सीधा एल्स में जाके नेगेटिव नंबर प्रिंट कर देगा, और अगर जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल है तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो हमने दूसरा इफ एल्स लगाया हुआ है। अगर नंबर जीरो है तो जीरो प्रिंट हो जाएगा, और अगर नहीं है तो क्या प्रिंट होगा, पॉजिटिव नंबर। सो इन दिस वे इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड ऑल द कंडीशनल और यू कैन से सिलेक्शन स्टेटमेंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू आइट्रेशन स्टेटमेंट, राइट। थैंक यू।